हरियाणा के रोहतक से। एक सप्ताह पहले कपड़ा व्यापारी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करवाने वाली महिला को पुलिस ने एक वकील के मुंशी के साथ मंगलवार को समझौते के नाम पर 50,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया है। महिला डीएसपी सुशीला के दिशा निर्देश पर एसआई धर्मवीर के नेतृत्व में पुलिस ने कार्यवाही की। देर रात तक सिविल लाइन थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुटी थी। पुलिस के मुताबिक दिल्ली की एक महिला ने 7 जुलाई को शिकायत दी थी कि वह फिलहाल रोहतक में रह रही है। 6 जुलाई को बच्चों के कपड़े लेने के लिए बाजार में गई थी। घर आने पर पता चला कि कपड़े बच्चे के साइज के नहीं है। वो दुकानदार का मोबाइल नंबर लेकर आई थी। उसने कॉल की और 7 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे कपड़े दुकान पर पहुंची। आरोपी दुकानदार ने उसे दुकान के अंदर कमरे में ले गया और उसे डरा धमका कर दुष्कर्म किया। महिला थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल की। इसी बीच आरोपी पक्ष की तरफ से बताया गया कि आरोपी महिला केस वापस लेने के लिए 6 लाख रुपए मांग रही है। इसके लिए हुडा सिटी पार्क के पास बुलाया है। डीएसपी सुशीला ने पुलिस टीम तैयार की। इसके बाद एसआई धर्मवीर के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने आरोपी महिला को 50,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। मामले में एक वकील के मुंशी को भी पकड़ा गया है।